इस आने वाले दरसों में और देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद जमीर है, मेरा शॉप है। मेरा सवाल पहले उनवान से है कि महरम और गैर महरम के ताल्लुक से अगर किसी लेडीज़ का इंतकाल होता है तो उसके बाद उसका शौहर उसके लिए महरम है या गैर महरम, और जिस तरीके से शैतान के वसवसे दूर करने के लिए जिक्र व अस्कार होते हैं वैसे फरिश्ते अच्छे ख्यालात डाले या उसमें आए तो उसके लिए भी कुछ अस्कार है क्या? भाई ने पहले उनवान से मुतालिक एक सवाल किया और सवाल ये था कि बीवी के ताल्लुक से, कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात के ताल्लुक से, कि जब मौत हो जाती है तो क्या मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मतलब मियाँ बीवी रहते हैं, बाकी रहते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल एक अजीब बात है, हमारे माहौल में तो हालत ये है कि अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाता है जिससे इंसान को ना सिर्फ रूहानी मोहब्बत होती है बल्कि जिस्मानी एतबार से उसका ज़िंदगी गुजारता है, और ये बोलते कि रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, अब अपनी बीवी को, मरीवी को इंसान नहीं देख सकता, अल्लाह रहम करे, जन्नत में नहीं रहना है क्या उसके साथ? हदीस में वाज़े अल्फाज है, दुनिया की बीवियां ही जन्नत में रहेंगी। वहाँ भी क्या? तो दुनिया की बीवियां ही जन्नत में रहेंगी। आप यहाँ रिश्ता तोड़ दे रही, सीधा नहीं बोले बीवी मर गई, आप नहीं देख सकते। एक मरतबा एक साहिब इल्म, उनकी जौजा, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ और वो जाकर बीवी को उन्होंने देखा, और बहुत सारे लोग जो मामला है कि बीवी को नहीं देख सकते, रिश्ता बोले खत्म हो जाता, तो वो बोले अरे उन्होंने तो बीवी को देख लिया, तो गलत हो गया। तो फिर एक साहब उनकी वजाहत करें, नहीं वो बहुत बड़े आलिम है, बोले उनको ये मसला मालूम है। तो अब लोगों ने पूछा क्या मसला है, उन्होंने कैसा देख लिया, बाकी तो कोई नहीं देखते। तो उन्होंने क्या किया, बोले इंतकाल के बाद बहन की नीयत से देखे। बोले क्या, कहाँ कहाँ से लाते, अल्लाह रहम करे, कैसा तोड़कर मरोते। अब यहाँ बहन की नीयत से देखे, फिर वो तो आखिर में फिर मिलने वाली है ना बीवी बोलकर। इसके ताल्लुक से सही बात क्या, आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सर दुख रहा था आपका, सर दुख रहा, बैठी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आयशा क्या हुआ? वो कहा मैं तो बीमार हूँ। तो कहा अच्छा तुम बीमार हो। तो उन्होंने सवाल किया, बीवी होने के नाते बीवियाँ सवाल करती ना शौहर से, सवाल किया अल्लाह के रसूल ये बताइए, अब मैं बीमार हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी मर जाऊँ तो क्या करोगे मेरे लिए? एक बीवी का सवाल है अपने शौहर से, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए क्या करोगे, आप क्या करेंगे शौहर होने के नाते? माई आयशा को अल्लाह के रसूल जवाब दे रहा, अभी मेरा जवाब नहीं है, मैं किसी मसलक से जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं हदीस की बात रख रहा हूँ और कोई फतवा भी नहीं दे रहा हूँ, सीधा हदीस रख रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आयशा अगर तुम मेरी ज़िंदगी में मर जाओ तो मैं तुझे नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, तेरी जनाजे की नमाज पढ़ूंगा और तेरे लिए इस्तगफार करूंगा, चार काम करूंगा तेरे लिए। बीवी से शौहर अपने जवाब दे रहा है, अगर आयशा तुम मेरी जिंदगी में चली गई तो नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, जनाजे की नमाज पढ़ूंगा, दफना दूंगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो शौहर से कहा ऐ आयशा तुम्हारी जिंदगी मैं चले जाऊं तो तुम क्या करोगी, चलो अब बताओ शौहर के लिए, तुमने तो मेरे से पूछ लिया बीवी क्या कर तुम मेरे में। तो कहा ऐ अल्लाह के रसूल आप भी अगर मेरे जिंदगी में इंतकाल कर गए तो मैं आपको नहलाऊंगी, कफनाऊंगी और जो है आपके लिए दुआ करूंगी। ये रिवायत के ताल्लुक से मैं आयशा ने बयान किया, लेकिन दूसरी उम्मातुल मोमिनीन नबी के इंतकाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आयशा से पूछा आयशा ये रिवायत तो तुम आज बयान कर रही हो, जब क्यों नहीं बोला, वरना हम अपने रसूल को अपने शौहर को गुस्ल देती। तो कहो वो इंतकाल के सदमे में मैं भूल गई थी, इंतकाल के सदमे में मैं भूल गई बयान करना कि हम उम्महात नहला सकती है नबी को, चूंकि उनकी बीवियां थी वो। तो दूसरी बीवी ने कहा आयशा तुमने क्यों नहीं बोले, जब बोलने की बात थी ना ये तो इतना इम्पोर्टेंट। तो कहा मैं गम की वजह से भूल गई थी। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह उनकी जिंदगी में फातिमा रजी अल्लाह का इंतकाल हुआ, अली बिन अबी तालिब ने उनको नहलाया, कफनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और दुआ करते ही होंगे, बहरहाल रिवायतों में तफसीलात नहीं है उसके, लेकिन करते अपनी बीवी के लिए, समझ रहे अब बात। तो कहाँ टूटा भाई रिश्ता, बाकी है, तो यहाँ भी बाकी है। तो एक शौहर कर सकता है भाई मेरे, और शौहर का ही तो हक है करे, ठीक है, तो बहरहाल करना चाहिए। गलतफहमी पता नहीं कहाँ से आ गई कि रिश्ता टूट जाता, अब कुछ नहीं, आप देख भी नहीं सकते, हाथ लगाना दूर, देख भी नहीं सकते, हाथ लगाना दूर है, ज़िंदगी भर जिसके साथ रहा आप देख नहीं सकते, कैसी अजीब बात है। बहरहाल इस्लामिक दीन फितरत का दीन है,
محبت اور الفت کا دین ہے, تعلقات میاں بیوی کا تو یہاں بھی ہے, اور اگر نیکوکار دونوں جنت میں رہے تو بہرحال وہاں بھی وہ کنٹینیو چلتا ہے.